हेलो भाइयों, मैं हूं पुष्कर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारे सामने खड़ी हुई है भाई ग्रैंड आई10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट। मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूं ऑटोमेटिक के अंदर। ऑटोमेटिक भाई छोटी गाड़ी में लोग है ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस गाड़ी में मैं आपको बोलता हूं कि आपको ज़रूर से एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको भाई स्पोर्ट्स वेरिएंट मैं आज आपको दिखा रहा हूं। इसमें सारी आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की बात कर लो, डिस्प्ले की बात कर लो, या फिर आप इसके व्हील्स की बात कर लो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली जाती हैं। हालांकि अभी जो छोटी मोटी कमियाँ जो टॉप वेरिएंट से नहीं आती हैं वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आगे से ओवरऑल लुक की बात करते हैं। तो भाई पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ में आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRL भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, प्लस इंडिकेटर्स आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं इधर की साइड। DRL जलने के बाद भाई आप इसकी लुक देख सकते हो एक बारी सामने से। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्की लगती है और सामने से जब आती हुई दिखती है ना तो बढ़िया तो लगती है, नो डाउट। DRL आपको इसकी भाई कुछ इस शेप में देखने को मिलती हैं, ग्रिल आपको थोड़ी सी नीचे की साइड देखने को मिलती है। और पहले तो हुंडई अपना जो लोगो है वो सिल्वर फिनिश में देती थी, लेकिन अब साटन फिनिश में आपको इसमें देखने को मिलने लग गया ऑलमोस्ट हर ही गाड़ी में। तो सामने से तो मैंने आपको इसकी पूरी लुक दिखा दी है, अब चलते हैं एक बारी साइड प्रोफाइल पे और साइड से देखते हैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या देखने को मिलता है। साइड से अगर मैं बात करूँ भाई तो हैचबैक सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को अच्छे से डिज़ाइन करा गया है। बाकी आप इसका कलर भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अगर मैं आपको इसकी व्हील्स की बात बताऊँ तो एलॉय व्हील्स तो आपको खैर एस्ट्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलते हैं। लेकिन डिज़ाइन उसका इस तरीके से करा गया है कि कोई भी इसे दूर से देखकर ये नहीं कह सकता कि ये स्टील रिम है, एलॉय व्हील्स ही लगते हैं। इनकी मैं अगर आपको प्रोफाइल की बात बताऊं तो इसमें आपको 175x60 R15 inches के देखने को मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी की लुक आपको ऐसी देखने को मिलती है, साइड में कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं देखने को मिलता है। और आपको ORVM पर इसके इंडिकेटर से देखने को मिल जाते हैं, कोई भी फेंडर पर नहीं देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक वेरियंट है इसलिए आपको स्मार्ट ऑटो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रूफ रेल्स वगैरह इसमें प्रॉपर दी गई हैं और गाड़ी की आप इधर से लुक एक बारी चेकआउट कर सकते हो। पीछे से अगर मैं आपको भाई गाड़ी की लुक दिखाऊँ ना तो इस बारी तो जब इसका आई10 का फेसलिफ्ट निकाला है ना तो पूरी लुक चेंज कर दिया। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बल्की सी लगती है अब, क्योंकि इसमें जो कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स है ना, अभी आपको इसमें देखने को मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसे ऑन करता हूँ उसके बाद आप देखना। तो अभी आप भाई देख सकते हो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है इन्हें जलने के बाद, और जब आप ब्रेकिंग वगैरह करते हो तो ये ऐसे पूरी लाइन जलती है। हुंडई अपनी भाई अब सारी गाड़ियों में कनेक्टिंग LED टेल लैम्प्स ही देने लग गया है, तो बढ़िया तो लगते हैं। ओवरऑल LED वगैरह इसमें प्रॉपर जलती हुई आपको दिखती है। और पीछे से है ना गाड़ी, मतलब कोई कह नहीं सकता कि हैचबैक है, लगती तो है भाई ओवरऑल एक SUV जैसी थोड़ी बहुत। पीछे की साइड आपको इसमें रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है, न्यूज की बड़ी बड़ी बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स तो मैंने आपको बताई दिया कि इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल पीछे से आप भाई लोग इसकी चेकआउट कर सकते हो। अब बाहर से तो मैंने आपको पूरी ओवरऑल इस कॉम्पैक्ट हैचबैक की मैंने आपको दिखाई दी है, अब मैं आपको एक बार इसका है ना बूट खोल के दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई इसका बूट, और बूट स्पेस आपको इसमें 260 लीटर्स का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है एक हैचबैक के हिसाब से। आप इसमें अपना आराम से 2 ट्रॉली रख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा सही स्पेस है। आपको इसमें पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आप इसे ग्रैब करके बंद भी कर सकते हो बूट को। तो प्रीमियम फीचर्स तो भाई कमी नहीं छोड़ती है, और आप भाई जैसे उसमें देखो ना टियागो वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेकार सी फिनिश देती है कंपनी टाटा, लेकिन हुंडई ने भाई इधर बढ़िया काम कर रखा है, प्लास्टिक से पूरा कवर कर रखा है हुड को, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम लगता है भाई। हुंडई का फिट एंड फिनिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है। कार की मैंने आपको बाहर से तो ओवरऑल लुक चारों साइड से मैंने आपको दिखाई दी है, लेकिन अब मैं मेन बात करता हूँ अंदर की, क्योंकि आप भी उस चीज़ के लिए एक्साइटेड होंगे कि अंदर इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बार इसकी की दिखा देता हूँ। की आपको भाई फ्लिप की देखने को मिलती है, ऐसे कर दोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कीलेस एंट्री है या नहीं है, लेकिन जब आप इस बटन को दबाते हो तो आपकी की जो है वो निकल के बाहर आ जाती है। हुंडई की चाबी भाई लगती तो है प्रीमियम सी, बाकी इसमें लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने को मिल जाता है, और वही सेम पोंपा वाला आपको साउंड देखने को मिलता है जो सारी हुंडई की कार्स में अब आपको देखने को मिलता है। बाकी इसे आप होल्ड करके रखोगे तो आपका जो बूट है वो अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन अपने आप खुलता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑब्वियसली नहीं है। आपको अनलॉक तो हो जाता है लेकिन अपने आप ही ऐसे खोलना पड़ता है। तो अब चलते हैं भाई कार के अंदर,
मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर इसमें आपको भाई क्या क्या तामझाम देखने को मिलता है। पहले तो डोर की बात कर लेते हैं। डोर भाई आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है। इधर की साइड आप देख सकते हो आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। चारों पावर विंडो देखने को मिलती हैं। ऑटो फोल्ड अनफोल्ड ORVMs देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। नीचे की साइड आप अपना कार साफ करने का कपड़ा या फिर बॉटल होल्डर वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो गेट का लुक है वो आप इधर से पीछे से देख सकते हो। डोर ओपनर आपको सिल्वर साटन फिनिश में देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक का भी सिस्टम आपको इसमें इधर दिया गया है। तो अब चलते हैं भाई कार के अंदर और एक बार या बाहर से और लुक देख लो इसकी। बढ़िया तो लगती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो एसी वेंट्स वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टाइलिश से दिए गए हैं। चलते हैं कार के अंदर और की को लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई कार मैंने ऑन कर ली है, पूरी ऐसे एनिमेशन बन के आती है, आप दोबारा से देखना। अभी मैं इसे बंद करके चालू करता हूँ। अभी देखो पूरी ऐसे भाई i10 बन के आती है, प्यारी सी तो लगती है इसकी जो मीटर बोर्ड है। दूसरी चीज़ आपको जो इसमें डिस्प्ले देखने को मिलती है वही नॉर्मली जो 8 इंच की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में ही हुंडई देता है, सिर्फ जो ब्लू लिंक वाली होती है उसमें थोड़ी बड़ी दे देता है शायद, लेकिन पूरी आपको डिजिटल देखने को मिलती है। वेन्यू में भी सेम ही आती है, बाकी ये जो बटन्स हैं वो आपको वेन्यू में थोड़ा नीचे देखने को मिल जाते हैं, इसमें साइड में दिए गए, बस इतना फ़र्क है। डिस्प्ले सबकी सेम है और चलने में भाई कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है, आप देख ही सकते हो। और आपको ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है इसका जो फ्रेम है। एसी वेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश से देखने को मिलते हैं, बाकी मैं अभी इस एसी को थोड़ा कम कर देता हूँ। और नीचे की साइड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है भाई, और साथ ही साथ में आपको इसमें नीचे स्पेस, और जिस चीज़ से प्रीमियम लग रही है ना वो है भाई इसका ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, यानी कि आपको इसमें जो AMT देखने को मिलता है ना, मैंने आपकी अभी आपको फेंडर पे जो दिखाई थी बेजिंग स्मार्ट ऑटो की, इसी चीज़ की थी भाई वो, कि इसका जो गेयरबॉक्स है ये मैं आपको आज ऑटोमेटिक वेरिएंट दिखा रहा हूँ। ऑटोमेटिक में ना भाई ये है देखो, छोटी गाड़ी है जिसके यहाँ मतलब जिसकी सिटी में थोड़ा ट्रैफिक वगैरह रहता है और उसको मैनुअल से मतलब दिक्कत है, और एक छोटी सी गाड़ी चाहिए इसमें गेयर लगा के आप भूल जाओ भाई, फिर आपको सिर्फ रेस का काम रहे, तो वो चीज़ है भाई ये। दूसरी चीज़ आपको प्रीमियमनेस भी पूरी भरपूर दे रही है अंदर की साइड से, कोई भी चीज़ की आपको कमी नहीं महसूस होगी। चाहे आप इसके स्पीकर सिस्टम की ले लो, स्पीकर सिस्टम भी भाई आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चाहे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात ले लो, आपको बीच में डिजिटल MID देखने को मिलती है, साइड में आपको एनालॉग देखने को मिलता है, दोनों साइड RPM मीटर वगैरह आपको इसमें प्रॉपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको भाई इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं, ये रहा ऑटो का। और उसके साथ साथ भाई आपको इधर वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इससे आप जब अपना एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट करोगे ना, तो आप इससे वॉइस कमांड के फीचर भी एक्सेस कर सकते हो, जिसका बटन ये रहा। तो ऑलमोस्ट भाई सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दो कप होल्डर भी इसमें दिए गए हैं, हैंड ब्रेक भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इधर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो या कॉइन्स वगैरह। और सीट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसमें वो वाली चीज़ है कि एक बारी सीट को एकदम पूरा पीछे कर लो, ऑटोमेटिक गियर है, गियर लगा के भूल जाओ, और उसके बाद में भाई सिर्फ रेस देने का काम रहता है और कुछ भी काम नहीं रहता सिटी में। आपको ऊपर की साइड में भाई सनवाइजर्स देखने को मिल जाते हैं, इधर की साइड कोई भी मिरर नहीं है, इधर आपको मिरर देखने को मिल जाता है। कोई भी IRVM ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपको मैनुअली देखने को मिलता है। अंदर की साइड आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ कि आपको जो इसके AC वेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से देखने को मिलते हैं, जैसे लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं ना थार वगैरह में, जी वैगन वाले कुछ उस टाइप के लगते हैं, हालांकि बीच में थोड़े नॉर्मल से हैं ये वाले, लेकिन साइड में जो ये गोल गोल से दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से लगते हैं देखने में और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सी लुक देते हैं। तो ये था भाई इसका आगे का कंपार्टमेंट, अंडर थाई सपोर्ट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अभी मैं आपको इसका एक बारी पीछे का स्पेस और चेक करा देता हूँ, अभी सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं पीछे चलता हूँ। तो अभी मैंने आगे वाली सीट भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, अब पीछे मैं आपको बैठ के एक बारी स्पेस दिखाता हूँ इसमें कैसा कुछ देखने को मिलता है। तो स्पेस भाई बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है, मतलब आप देख सकते हो अभी भी बहुत स्पेस बचा है, और वेन्यू से तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो रिक्लाइनिंग पोस्चर है, साथ ही साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल ऊपर की साइड दिए गए, और सबसे बढ़िया बात जो हैचबैक में मेरे को इसमें लगी कि इसमें आपको पीछे भी AC वेंट्स दिए गए हैं, तो पीछे वालों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है।
आगे पीछे से आप ऐसे कुछ नज़ारे ले सकते हो। और स्पेस सबसे बढ़िया लगा मेरे को इसमें कि अंडर थाई सपोर्ट तो खैर थोड़ा सा कम है, लेकिन जो आगे की साइड स्पेस दिया गया है ना, वो वेन्यू से भी भाई काफ़ी ज़्यादा है। और यही कारण है कि इसमें आपको बूट स्पेस 260 लीटर्स का देखने को मिलता है, लेकिन जो मिडल रो में स्पेस है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिलता है। तो ये था भाई इसका पीछे का कंपार्टमेंट। कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं। तो ओवरऑल भाई मैंने आपको चारों तरफ से मैंने आपको इस गाड़ी की लुक भी दिखा दी, अंदर से भी इंटीरियर दिखा दिया, पीछे का स्पेस भी दिखा दिया और बूट स्पेस भी दिखा दिया। अब जो मेन बात जो बचती है ना, वो ये है कि इसमें भाई आपको इंजन कौन सा देखने को मिलता है। तो इंजन इसमें भाई आपको कापा 1.2 देखने को मिलता है, जो कि 81 BHP निकालता है और 114 NM का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। ये सेम वही इंजन है जो वेन्यू के पेट्रोल में इस्तेमाल करा जाता है और काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट इंजन है। मतलब आप समझ ही सकते हो जो वेन्यू में इस्तेमाल करा जा रहा है वो इंजन आपको इसमें i10 में भी देखने को मिलता है। तो यही इंजन भाई काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पेट्रोल के मामले में, क्योंकि इस इंजन से भाई आपको माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। माइलेज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कंपनी क्लेम कर रही है भाई इसमें 18 का माइलेज, लेकिन आराम से भाई आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्यार से चलाओगे तो और ज़्यादा भी दे देगी हाईवेज वगैरह पर। और क्रूज़ कंट्रोल तो इसमें है ही, तो आप 70-80 की स्पीड पर अगर इसे क्रूज़ भी करोगे तो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको ये निकाल के दे देगी। अब आती है भाई प्राइसिंग की बात कि आपको ये पड़ती कितने की है। तो जब आप भाई इतनी प्रीमियम हैचबैक को लेते हो ऑटोमेटिक के साथ, क्रूज़ कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स के साथ, तो आपको इसकी प्राइसिंग भी पता होनी चाहिए जब आप इसे लेने के लिए जाओ। तो इसकी प्राइसिंग आपको भाई करीब देख रहे हो मिलती है 7,93,000 की, जो कि इस कार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। और ऑटोमेटिक में भाई 7,93,000 में कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप टियागो वगैरह को देखोगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिश भी नहीं देखने को मिलती है। बाकी इसमें भाई आपको सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, मेरे ख्याल से शायद इसे 3-4 स्टार्स मिल चुके हैं सेफ्टी रेटिंग के मामले में, तो उसमें ही भाई कोई कमी नहीं है। और स्विफ्ट वगैरह से तो ठीक ही है, क्योंकि ओवरऑल देखने में तो थोड़ी बल्कि सी लगती है। पीछे आपको कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी भाई प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इसकी सही रखी है कंपनी ने। तो आपको ये कार भाई कैसी लगी एक बार कमेंट में आके ज़रूर बताना। और आप इसे अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो आप भाई, आपको कहीं भी वेटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है किसी और शोरूम में, आप डायरेक्टली आ सकते हो शांति हुंडई, जो कि हाथरस में लोकेटेड है। यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, आप ज़रूर से आकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और इस कार को चेक कर सकते हो और ले सकते हो। तो यही थी भाई वो वीडियो, कैसी लगी वीडियो एक बारी कमेंट में आके ज़रूर बताना। और अगर शोरूम की डिटेल चाहिए तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी।